सबसे पहले मैं इसको ऐसे तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजु सहाय और वेलकम करता हूँ आप लोगों को मेरा चैनल मॉड्यूल्स गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स आज मैं गुआवा प्लांट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। गुआवा प्लांट को हम बहुत ही इजी टेक्निक से कैसे ग्रो कर सकते हैं और मैं इसका रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिए, बहुत ही ईजी टेक्निक है, मैं इसको आप लोगों को ग्रो करके दिखाऊंगा। बहुत ही ईजी टेक्निक से आप भी ग्रो कर सकते हो अगर वीडियो लास्ट तक देखो। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक टमाटर, ये टमाटर है ये आप देख सकते हो, और ये ब्रांच गुआवा का, ये जो ब्रांच है ये थाई वैरायटी है, ये वो वैरायटी है जो एक गुआवा की साइज 1 किलो तक जाता है, इतना बड़ा होता है, ये वो वैरायटी है। बहुत ही जल्दी कटिंग से सक्सेस हो जाता है और ग्राफ्टिंग से भी ये बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाता है। लेकिन अब मैं आप लोग को इसकी कटिंग करके दिखाऊंगा, इस वीडियो लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। तो कटिंग जो है वो मैं थोड़ा नया तरीके से करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं इसको इसके नीचे के ये कुछ पत्ते मैं काट दूंगा और इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, बस इस तरह से। और इसमें से एक भी पत्ता मैं नहीं काटूंगा, सभी पत्ते मैं रहने दूंगा, बस यहाँ से जो है मैं इसकी जैसे हम लोग एयर लेयरिंग करते हैं उसी तरह से मैं इसकी सिल्के जो है वो हटा दूंगा। जैसे हम लोग एयर लेयरिंग करते हैं वैसे ही हमें इसका सिल्का हटाना होगा। तो मैंने इसको काट दिया है, इसकी सिल्के जो है वो मैंने हटा दिया है, ये आप देख सकते हो चारों तरफ से मैंने इसके जो सिल्के हैं वो हटा दिया है। और बस तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इस टमाटर के अंदर ऐसे ही अंदर डाल दूँगा, बस ऐसे। ये आप देख सकते हो इसकी पॉट के जो नीचे हैं ये कुछ सूखे पत्ते मैंने इसकी पॉट के नीचे रख दिया है। और अब मैं इसको कोकोपीट में ग्रो करूँगा, ये आप देख सकते हो ये कोकोपीट है, ये सिर्फ कोकोपीट है और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डाला है मैंने, और ये सिर्फ ड्राई लीफ है, सूखे पत्ते हैं। और अब मैं इस पर थोड़ी सी मात्रा में इसे कोकोपीट रख दूँगा, बस थोड़ी सी मात्रा में। और अब मैं इसको ये जो टमाटर है इसको अंदर ऐसे रख के इसके अंदर कोकोपीट से भर दूंगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और अब मैं इस पर ये जो ये सेल्फ
फंगिसाइड है। तो ये जो मैंने मिला के रखा है ग्लास में, अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे दे दूँगा, यहाँ से। इससे क्या होगा, प्लांट पर फंगस नहीं लगेगा। ये मैंने डाल दिया है और अब मैं इस प्लांट को कुछ दिन के लिए ऐसे जगह पर रखूँगा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती हो। और जब भी आप प्लांट की कटिंग करें उसको जुलाई अगस्त बरसात के मौसम में कीजिए, क्योंकि बरसात के मौसम में ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ शुरू होता है। तो बरसात के मौसम में कीजिए, आपकी कटिंग बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएगा। तो इसको मैंने जिस टेक्निक से, इस प्लांट को मैंने जिस टेक्निक से कटिंग किया है, आप भी इसी टेक्निक से अगर कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग भी 100% सक्सेस होगी। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं, कुछ दिन बाद इसको देखते हैं कि ये किस तरह से सक्सेस होता है। बस अब मैं इसको छांव में रखूँगा जहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर ये प्लांट फल कब देगा। तो अगर हम इसको सही तरह से ग्रो करेंगे, अगर आप पॉट में ग्रो करोगे तो ये 6 मंथ के अंदर यहाँ से फूल आना शुरू हो जाएगा और 1 साल के अंदर इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम प्लांट को कटिंग से ग्रो करें या फिर ग्राफ्ट करें या फिर एयर लेयरिंग से करें तो उसमें 1 साल के अंदर उसमें फल आना शुरू हो जाता है। और अगर हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उसका जो सॉइल है वो कैसा होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सॉइल में मैं सिर्फ 30% कोकोपीट और 30% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, 20% डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद और 20% मैं लेता हूँ फर्मी कम्पोस्ट और 10% मैं लेता हूँ नीम खली। ये जो सॉइल है सभी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल है। इससे क्या होता है, ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होता है, प्लांट की जो जड़ें हैं उसे फैलने में मदद मिलती है। तो इससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो आप भी जब भी किसी प्लांट पर, प्लांट को पॉट में लगाओ तो मैंने जो सॉइल आप लोगों को बताई वही सॉइल आप लोग प्लांट पे यूज़ कीजिए, तो आपके प्लांट हमेशा ग्रो करेगा और हेल्दी रहेगा। तो कटिंग लगाने के लिए आप सिर्फ नॉर्मल कोकोपीट में आप कटिंग लगा सकते हो या फिर रेड में कटिंग लगा सकते हो, जो रिवर सेंट होता है उसमें कटिंग लगा सकते हो या फिर आप कोकोपीट में लगा सकते हो, ये बेस्ट होता है। लेकिन हमें थोड़ी सी मात्रा में सल्फ फंगिसाइड मिला लेना चाहिए। और इसको मैंने टमाटर में लगाया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि टमाटर में इसकी जो रूट है वो निकलता है कि नहीं निकलता है। तो फ्रेंड जब इसकी ये जब सक्सेस हो जाएगा तो इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो ये 25 दिन का रिजल्ट है। अब मैं इसको निकाल के देखना चाहता हूं कि इसकी जो रूट है वो कितना निकला है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो और जो टमाटर मैंने लगाया था वो अंदर सड़ गया है। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ये 25 दिन का रिजल्ट है। 25 दिन में आप देख सकते हो जो रूट है इसका कितनी अच्छी तरह से डेवलप हो गया है। तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हो और 6 मंथ के अंदर इसमें से फूल निकलना शुरू हो जाएगा और फल आ जाएगा। तो इसीलिए हमें प्लांट को बहुत ही अच्छी सॉइल में लगाना चाहिए। मैंने वो वैरायटी है जो एक गुआवा 1 किलो तक जाता है, इतना बड़ा होता है, ये वो वैरायटी है। बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग ग्रो हो जाता है। तो इसकी कटिंग ऐसे ही जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को, सेम टेक्निक से आप भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से ये सक्सेस होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।